हेलो स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर ऑफ कंपेनियन बुक चैप्टर नंबर फाइव मदर्स बियर्स कॉल यू जस्ट रीड द स्टोरी ऑफ अ बियर कब हुजेकन ऑफ बाई ह्यूमन्स नाउ लेट्स रीड हाउ एनिमल्स टेक केयर ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड आपने एक स्टोरी के बारे में मेन कोर्स में पढ़ा ही होगा अ बियर कब जिसमें एक बीयर का जो बेबी है जिसकी केयर ह्यूमन्स के द्वारा की गई है ठीक है और अब जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक ह्यूमन चाइल्ड की केयर एनिमल्स के द्वारा हुई है सो लेट्स स्टार्ट मोगलीज ब्रदर्स मींस मोगली के भाई सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर वन इवनिंग इन द हील्स इन इंडिया फादर वुल्फ वोक अप फ्रॉम हिज डेज रेस्ट नेक्स्ट टू हिम ले मदर वुल्फ विद देयर फोर कप्स बिसाइड हर It's time to look for food, said Father Wolf. Good luck, said a voice. It was a jekal, Tabakui, who ate everything and anything, even pieces of old clothes from the villages. None liked him because he ran around making trouble and telling bad stories about them. अब एक शाम जो है सियोनी हील्स है यानी पहाड़ियाँ हैं भारत में जहाँ पर जो फादर वुल्फ हैं वो जग जाते हैं दिन के रेस्ट के बाद और अब जो वो उठ गए हैं मदर वुल्फ भी दूसरी साइड सोई हुई हैं अपने चार बेबीज़ के साथ में और अब जो है जो वुल्फ फादर हैं वो कहते हैं कि टाइम है खाना ढूंढने का सो so, वो गुड लक कहते हैं अपनी आवाज़ में और वहाँ पर तो एक आवाज़ आती है गुड लक की और वो था जयकाल टबाकोई जो कि कुछ भी खाता था जहाँ उसे कुछ भी मिल जाता था वो कुछ भी खाता था यहाँ तक कि वो पुराने कपड़े तक खा जाता जो गांव में मिलते थे पसंद नहीं थे क्योंकि वो क्या है तब भी इधर उधर भटकता रहता तो कुछ मिलता ही नहीं था पसंद ही नहीं आता था इधर उधर और उसकी परेशानियों की और ख़राब स्टोरीज़ जो है उसके बारे में भी काफ़ी सुनी हुई थी मीन्स यानी कि तब्बाकु जो था वो काफ़ी बुरा था एनिमल और उसके बारे में काफ़ी बैड स्टोरीज थी शेर खान द टाइगर इज़ कमिंग टू लुक फॉर फूड हेयर सेट तब्बाकु ही कांट क्राइड फार दुल्फ बाय द लॉ ऑफ द जंगल ही मस्ट टेल अस फर्स्ट बिफोर ही कम्स हेयर टू हंट अब शेर खान जो है वो टाइगर है और ऐसा तबागुई कहता है कि वो यहाँ पर खाने की तलाश में आ रहा है लेकिन फादर वुल्फ हैं वो चिल्लाकर बोलते हैं कि वो यहाँ नहीं आ सकता है जंगल के कानून के हिसाब से तो यहाँ पर उन्होंने बोला ये उसे पहले ही बता दिया गया था कि वो यहाँ पर शिकार नहीं कर सकता है शेर खान हैज़ अ बैड लेग सो ही कैन किल ओनली काउज इन द विलेज नियर हिम द पीपल आर एंग्री दैट इज़ वाई ही इज़ कमिंग हेयर टू स्टार्ट हंटिंग इन अ न्यू प्लेस लिसन यू कैन हेयर हिम नाउ सेट तबाकुई एंड शेर खान इज़ हंटिंग मैन नॉट एनीम टू नाइट अब शेर खान जो है वो उसका पैर जो ठीक नहीं था लेकिन वो सिर्फ काओ को ही मार सकता था अब पास के गाँव में जब वो जाता था तो वहाँ के लोग बहुत गुस्सा होते थे इसी लिए वो यहाँ पर आया है और एक नई जगह पर शिकार करने के लिए तो तबाकू ही कहता है कि सुनो अब वो यहाँ आ रहा है शेर खान जो है एक हंटिंग मैन है नॉट एनिमल टू नाइट और आज वो कोई एनिमल नहीं है द लॉ ऑफ द जंगल सेज दैट एनिमल्स मस्ट नॉट हंट मैन बिकॉज मैन किलिंग ब्रिंग्स मैन विद गन्स दे देन एवरी इन द जंगल देन एवरी इन द जंगल इज इन डेंजर इट्स अ मैन अ मैन स्क लुक सेट फादर वल्फ एंड देयर इज फ्रंट ऑफ देम्स टोड अ बेबी हु को जस्ट वॉक अब जंगल के कानून के हिसाब से यानी कि जंगल का जो कानून है वो कहता है कि एनिमल एनिमल्स जो होते हैं वो शिकार नहीं करते आदमियों का क्योंकि मैन जो है वो आ, कर मारता है और वो अपने साथ आदमियों वाले बंदूक वाले आदमी लेकर आता है और उसके बाद ही जो सब कुछ है जंगल में फिर ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि ज और फिर पूरा जंगल जो है खतरे में आ जाता है और यहाँ पर जो मैन है यहाँ पर ये मैन इट्स अ मैन यहाँ ये मैन है ये मैंस का कब है ये आदमी नहीं है देखो ध्यान से फादर वुल्फ उसको कहते हैं ये तुम्हारे सामने ही है एक बेबी है जिसने अभी अभी चलना शुरू किया है ही लुक डप एट फादर वुल्फ एंड लाव्ड अब वो जब फादर वुल्फ है वो उसकी तरफ देखता है और हंसता है इज़ दैट अ मैनस कब आस्ट मदर वुल्फ आई हैव नेवर सीन वन ब्रिंग इट हेयर द बेबी स्मॉल विद नो क्लॉथ्स पुस्ट इट्स वे बिटवीन द कप्स टू गेट नेयर मदर वुल्फ लुक शी सेड ही इज टेकिंग हिज मील विद द अदर्स अब वो जो है वल्फ मदर होती है तो वो बोलती है क्या ये इंसान का बच्चा है जरा वो पूछती है मदर वुल्फ सो आई हैव उसने कभी भी इंसान का बच्चा नहीं देखा होता तो वो कहती है कि मुझे दिखाओ तो वो एक बहुत छोटा सा बच्चा होता है जिसने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं तो वो जो है उसको आगे की ओर धकेलता है ठीक है जो दो सभी जो उसके चार बेबीज़ थे मदर वुल्फ के तो उन्हीं के साथ में वो उनको रखती है तो मदर वुल्फ जो है उसको देखती है और वो कहती है कि उसके लिए भी जो अपने बेबीज़ के लिए वो खाना लेकर आती है तो वो उसके लिए भी खाना लेकर आती है लक एट हेम ही इज नॉट अ फ्रेट सेट फादर वुल्फ सडनली इट वॉज डार्क एंड शेर खान वॉज पुशिंग हिम ग्रेट हैड इन थ्रू द माउथ ऑफ द केव अचानक से जब उसकी माँ जो देखती है वुल्फ मदर होती है तो जब वो देख रही है तो फादर वुल्फ कहते हैं कि वह डरे नहीं फादर वुल्फ जब उसे देखता है तो वो कहता है कि डरो नहीं अचानक से अंधेरा हो जाता है और शेर खान जो है धकेलता है उसका बड़ा सा सर जो है गुफा के अंदर वी आर प्लीज दैट यू अस शेर खान सेड फादर वुल्फ। व्हाट डू यू नीड आई एम हंटिंग मेंस कप सेड शेर खान इट्स फादर एंड मदर हैव रन अवे गिव इट टू मी फ़ादर वल्फ न्यू दैट शेर खान कुड नॉट गेट इनसाइड द केव बिकॉज ही वॉज़ टू बिग अब फादर वल्फ कहते हैं कि हम बहुत खुश हुए हैं कि तुम यहाँ पर आए हो शेर खान को कहते हैं अब तुम्हें क्या चाहिए तो शेर खान कहता है कि मैं इस इंसान के बच्चे को मारने आया हूँ तो फादर और मदर इसके जो हैं वो भाग गए हैं अब ये से मुझे दे दो फादर वुल्फ जो है वो जानता था कि शेर खान जो है गुफा के अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि वह है बहुत बड़ी है द मैंस कब बिलोंग्स टू अस ही सेट दुल्फ्स एंड आई विल डिसाइड इफ वी वॉन्ट टू किल हिम वी विल किल हिम नॉट यू एंड मैंस कब बिलोंग्स टू मी इट इज आई शेर खान हुपीक्स एंड शेर खान रॉर फिल्ड द केव विद नॉइज़ उन्होंने कहा जितने भी अदर uh, ग्रुप्स के जो भेड़िए थे उन्होंने कहा कि ये जो अब इंसान का बच्चा है ये हमसे संबंधित है और हमने डिसाइड किया अगर हम इसे मारना चाहते तो मार देते तुम नहीं और ये इंसान का बच्चा है जो अब हमसे संबंधित है अब हम इसे खरोच भी नहीं आने देंगे यानी कोई परेशानी नहीं आने देंगे तो शेर खान बोलता है कि ये मैं हूँ शेर खान जो ये बोल रहा है और तभी वो गुस्से में आता है और दहाड़ता है उसकी पूरी दहाड़ जो है वो शोर के साथ गुफा में फैल जाती है नो केम द एंग्री वॉइस ऑफ मदर वुल्फ द मैन्स क बिलोंग्स टू मी वी विल नॉट किल हिम ही विल लाइव टू रन विद द अदर वुल्फ्स टू बी माई सन गो शेर खान वेंट आई विल कीप हिम सेड मदर वुल्फ यस, ही केम हेयर बाय नाइट अ लोन एंड हंग्री एंड आई विल कॉल हिम मोंगली द फ्रॉग मोंगली ग्रू अप एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ द वल्फ़ एंड अदर एनिमल्स तभी जो है मदर वुल्फ आती हैं और बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में वो मना करती है नहीं और वो बोलती हैं कि जो इंसान का बच्चा है ये अब मुझसे संबंधित है और हम इसे नहीं मारेंगे इसे जिंदा रखेंगे और ये दूसरे जो अदर भेड़िए हैं उनके साथ में दौड़ेगा ये मेरा बेटा है शेर खान यहाँ से चले जाओ और मैं इसे रखूँगी ऐसा मदर वुल्फ बोलती हैं हाँ ये आज यहाँ पर आया है रात में और ये अकेला रहेगी अकेला है और भूखा है तो मैं इसे मोंगली द फ्रॉक कहकर बुलाऊंगी अब मोंगली जो है वो बड़ा होता है उनके फैमिली मेम्बर्स की तरह ही दूसरे भेड़ियों के साथ और दूसरे एनिमल्स के साथ